नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। सिरसा की जे जे कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक महिला के ससुराल वालों ने मर्डर की आशंका जताई है। हालांकि जे जे कॉलोनी पुलिस चौकी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि दोपहर में जे जे कॉलोनी में एक महिला स्प्रे निकल गई। परिजनों ने उसे नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर जे जे कॉलोनी पुलिस चौकी भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अब हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। झगड़ा था, पता नहीं, एक विवाद, किसी विवाद पे झगड़ा होता था, हमेशा ही होता था। आज का नहीं, कभी कैसे, हम 2-3 साल हो गए हैं आपसे भी लड़ते रहने रहना, कभी तू तुम्हें छोटी सी बात पर झगड़ा जाना, कैसे भी हो जाना, कभी हो जाना। फिर इन्होंने कभी सुबह रात को भी कोई माया कोई बात थी, पर हमको आए हैं उसके बाद आकर थोड़ा सा घर पर, पता नहीं रोटी की नहीं बनी या भगवान जाने क्या मैटर था, कुछ चक्कर मिल गया थोड़ा सा, तो मैं होगी होगी आपसे नहीं, बस उसी बात से भी लड़ते 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 दिन तक बात पहुँच गई। और मैं तो अपना आज शादी थी मित्र के लड़की की, मैं तो वहाँ गया होता 12:30-1 बजे, 2 बजे से वहाँ था मैं, 2 बजे वहाँ से आया हूँ, तो पता लगा अभी घर पे ये काम हो गया। उसके बाद मैं स्कूल में बाद में आया, जब पहुँचा यहाँ पे तो कहते एक्सपायर हो चुकी है। इंद्र सिंह नाम है जी, जयल निवासी जी। शुरुआत झगड़े से चलती है, बहुत टाइम से झगड़ा, तो ये अब मैं क्या बताऊँ, इसका चलता था फिर लड़के का जी, इतनी चाहिए गऊ थी हमारी जी, मोला मारा गवाई देते लड़के दी, बस उसी दौरान ये कुछ बस चलता चलता विषय होता रखा। बात ये है, अब आप बताओ, हमारे तो बच्चों की माँ गई, उसको तो चल गया काम हो गया, उड़ता वो तो गई, हमारे बच्चों की माँ तो गई। तो लड़के को गिरफ्तार कर लिया पुलिस? पता नहीं, यहाँ पुलिस आई तो थी, उसको ले गई या नहीं ले गई इस बात इससे के बाद मुझे पता नहीं मैडम। हाँ जी, हरजिंदर सिंह है जी हमारे। इसकी उम्र जी होगी 36 साल थी, 37 साल। गुरदीप कौर थी जी। हाँ जी, दो बच्चे हैं जी, बेटे दोनों जी। क्या कुछ कार्रवाई थी आपके द्वारा, क्या मांग की? हमारी तो मांग यही है जी, जो दोषी है उसे सजा दी जाए, बस हम तो यही कहेंगे, जो दोषी है सजा देनी चाहिए, चाहे मेरा भाई है चाहे कोई मर्जी हो जी, गलत तो गलत है जी।